सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी है, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतियां भी जरूरी है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। आज का पंचांग 27 मार्च 2022 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:05 से 6:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 27 मार्च 2022 दिन रविवार, कार्य में सब कुछ शानदार है। आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है और नए अवसर मिल रहे हैं। आप स्वयं को कर्मचारी अधिकारियों के स्थान पर पा सकते हैं। घर पर आने वाली समस्याओं से चीजें अधिक जटिल हो सकती है, समाधान के लिए समझदारी से काम करें। उनके दोस्तों और उनके भी दोस्तों से संबंधित अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगत आपको अच्छी लगती है। अपने मित्रों को अपनी किसी सफलता के बारे में बताएं और यह आपके कैसे हासिल करी उसका तरीका भी साझा करें। सकारात्मकता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कन्या राशि वाले आज अपने ही कामों से उत्साहित रहेंगे। काम धंधे की स्थिति बेहतर रहेगी और व्यापारिक कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे। अच्छी व्यापारिक साख के चलते कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलने में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने से काम तेजी से होंगे। नौकरी पेशे वर्ग के जातक बॉस के साथ तालमेल बनाकर बेहतर काम करेंगे। घर परिवार में छोटी मोटी बातों से कहासुनी हो सकती है, इसलिए कड़वे बोल बोलने से बचें। किसी दोस्त या रिश्तेदार को छोटा मोटा कर्ज दिया जा सकता है। किसी आमंत्रण या महत्वपूर्ण सूचना से आपकी गतिविधि और भी बढ़ जाएगी। भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। सावधानियां, अच्छा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, इसीलिए आपको एक सही बजट प्लान करके चलना होगा। अपने जीवन साथी को कोई उपहार भेंट कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपकी बुराई आपके जीवन साथी से कर सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों के लिए संकट का समय है जो स्वास्थ्य निजी जीवन से भी संबंधित हो सकता है। रोमांस में समस्याएं आएगी। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी को अपने दिल की बात बताने का समय दें और उसे ध्यान से सुने। आज उन लोगों से मिले जिनकी वजह से आपका जीवन गुलजार है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ आपको सहज महसूस होता है। आपके प्रियजन आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको खुश और शांत रखता है। अपने साथी को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल करें और उनकी पसंदीदा कामों में उन्हें प्रोत्साहित भी करें। बात करते हैं करियर की। ऑफिस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज आप खुद का बिजनेस शुरू करने और अपने नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्यार की जगह पैसे को अहमियत ना दें। आपका आज के दिन दोस्तों को समर्पित यानी नए दोस्तों को बनाना और
पुराने को सहेज कर रखना। आज उन लोगों से मिलिए जो आपके प्रिय हैं और जिनका आपके जीवन में विशेष महत्व भी है। पुराने और करीबी दोस्तों की कंपनी इन दिनों के दौरान आराम देगी। दोस्तों की नजरों में आपके अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। साफ सफाई को लेकर लापरवाही ना करें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।